चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। व्हेन वी गो थ्रू दैट बुक ऑफ साइंस देयर आर टू कैरेक्टर्स पहेली एंड बूझो। दिस टू कैरेक्टर्स विल बी विद अस थ्रू आउट द बुक। ये क्वेश्चन पूछते चलेंगे। समटाइम्स दे विल आस्क वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, समटाइम्स वेरी फुलिश क्वेश्चन। ये दोनों पूछते चलेंगे, हम उसके जवाब देते चलेंगे। दैट इज हाउ वी टैकल अवर साइंस। तो पहेली और बूझो जो है, वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सोल्ड सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लाउ एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो वो अपने अंकल के घर वो गए, इनका अंकल एक फार्मर है, तो वहां पर उन्होंने ये सब टूल्स देखे, खुरपी, सिकल, शोवल, प्लाउ, बूझो जिसे बोलते हैं। बूझो इज वेरी क्यूरियस। उसने ये बोला कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। वो बड़ा क्यूरियस आदमी है। वो उसने पूछा कि ये जो जितने भी ये जो एग्रीकल्चरल टूल्स जो है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वेयर एंड हाउ दिस टूल्स आर यूज्ड। वेरी वेरी क्यूरियस। देखो उसको कैसे सोच रहा है। नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब वी नो दैट पार्ट, और हमने ये सीखा भी है कि लिविंग थिंग्स जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट कैन डू दैट पार्ट। अब ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो बोले वो फोटोसिंथेसिस से कर लेते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स, नाउ ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपना खाना नहीं बना सकते, तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं। नेचुरली जो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, उसको हम यूज कर लेते हैं। नाउ समवन विल आस्क के प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी, भाजी, पराठे वगैरह सब बना लिए। प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स। उस फूड को फिर दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, उसको हम भी खा लेते हैं। लाइक सब्जी जो है वो प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन सब्जी हम रॉ नहीं खा सकते, तो हम उसका सालन बनाकर खा लेते हैं। वीट आर मेड बाय प्लांट्स, उस वीट की हम रोटी बना लेते हैं। बट फर्स्ट हमको एक क्वेश्चन ये भी है कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना क्यों खा रहे हैं, वाई वी आर ईटिंग फूड। तो आंसर दिया, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। अब जो खाना हम खाते हैं, वो खाने का हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या यूज होता है, इट इज लाइक ए फ्यूल। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, इस तरह से बॉडी को खाना चाहिए, तो उससे हमको एनर्जी मिलती। सो जो एनर्जी की जरूरत हमको जो पड़ती है, वो एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम कुछ वाइटल फंक्शन अपनी बॉडी में करने के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे वी गो डू डाइजेशन, वी डू रेस्पिरेशन, वी डू एक्सक्रेशन। ये सभी प्रवृत्ति बॉडी में करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमको फूड से मिलती है। फूड जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमें फूड से मिलती है। बोझो जो है वो अगेन वो सोच रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। बोझो ये सोच रहा है, बोझो इज वेरी क्यूरियस। वो ये जानना चाहता है कि अगर हमें सब हम सबको फूड की जरूरत है, तो हमारी कंट्री में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने बड़े पॉपुलेशन को हम फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वेरी क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहेली जो है, पहेली वो ये बोल रही है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। पहेली का बोलना ये है कि फूड को उसका प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाया जा सके। इन ऑर्डर
in order to provide food for a large population. Regular production, proper management and distribution is necessary. अब इतने बड़े पैमाने पर फूड को प्रोवाइड करना हो, उसका प्रोडक्शन करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ओ इट इज नेसेसरी. सो वी आर कमिंग टू द पॉइंट जो कि जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें ये बताया गया वी आर मूविंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. खेती बाड़ी जो है, खाना तो उसी से बनता है ना. किसान जो है वो खाना बनाता है, किसान जो है वो प्रोडक्शन करता है, वो फूड बनाने के बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो वी कम टू द पॉइंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, खेती बाड़ी. थोड़ी हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम चले ना, तो 10,000 BCE की जमाने की बात करें, इसी द नॉमेडिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसान जो है वो इधर उधर घूमता रहता था, बाद में वो खेती बाड़ी करना सीखा. नाउ दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ओ दैट वंडर, इधर से उधर घूमना, वंडरिंग जो नॉमेडिक लाइफ ही वॉज लिविंग इन दैट पार्ट. सो ही वॉज वंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. कच्चा खाना वो खा लेते थे, जानवरों को मार कर खा लेते थे. ही वॉज लिविंग ए लाइफ लाइक एनिमल्स. केव्स में रहते थे वो, जो भी मिला, वेजिटेबल मिला, फ्रूट्स मिला, उन्होंने खा लिया. हंटिंग करते थे वो. देन आफ्टर कहीं जाने के बाद वो खेती बाड़ी करना सीखा. जब खेती बाड़ी करना सीखा वो, तो जब उसने खेत बनाए, सो देर वॉज ए नीड कि जब उसका ध्यान रखने के लिए उसको वहां पर रुकना पड़ेगा. और फिर जब वहां रुकने, जब रुकना है, तो उसने अपने घर बनाए. दिस इज हाउ दैट स्मॉल हट केम इन टू एग्जिस्टेंस. तो उन्होंने जो पहले प्रोड्यूस किया, जो उन्होंने कल्टीवेट किया, उसको अगर हम देखें, सो कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दिस दस एग्रीकल्चर वाज बोर्न. प्राचीन समय की एक तस्वीर मैंने यहाँ पर रखा कि प्राचीन वर्ल्ड के लोग जो है वो कैसे खेतीबाड़ी करते थे. सी दे आर नॉट यूजिंग बुलक्स, दे आर यूजिंग व्हाटएवर अवेलेबल टू देम. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे यहाँ पर. तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें अगर हम चले, प्राचीन समय के वो लोग जो है वो कैसे खेतीबाड़ी करते थे, क्या कैसे किया उन्होंने, ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में हम नहीं जाने वाले, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर तो इसी में निकल जाएगा. सो आई विल गिव यू अ स्केची आउटलाइन कि कैसे करते थे वो, उन्होंने क्या क्या एनिमल को डोमेस्टिकेशन किया, उसका एनिमल को पाला उन्होंने, कौन से प्लांट्स उन्होंने उगाए, कौन से एनिमल्स को उन्होंने पाला, कैसे कैसे उन्होंने यूज किया. दैट हिस्ट्री इज वेरी लॉन्ग लेंथी, तो इंटरेस्टिंग. बट यहाँ हम इतना सारा नहीं ले सकते, क्योंकि इतना सारा लेंगे तो हमारा लेक्चर जो इसी में चला जाएगा. सो वन स्केची आउटलाइन आई विल गिव यू कि कैसे हुआ. द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट उन्होंने dissemination of techniques for raising them. अब plants और animals को domestication करने के बाद उन्होंने उसको उगाना start किया, raising them productively. Agriculture जब start हुआ, कोई specific time duration तो लोगों के पास नहीं है कि कब वो start हुआ था, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. 11 सेपरेट रीजन ऐसे हैं ओल्ड और न्यू वर्ल्ड के, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर द इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर. 11 ऐसी जगहें वर्ल्ड में हैं जहां पर प्रूफ मिले हैं कि एग्रीकल्चर वहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. वो 11 रीजन क्या है, दैट इज नॉट योर क्वेश्चन, दैट इज नॉट योर इंटरेस्ट. मैंने तो पहले बोला कि एक ब्रीफ शॉर्ट एक स्केची एक हिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ. लेटर ऑन जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको आएगी. अभी आपके कोर्स में ये है नहीं, ये तो जब आया तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्रीकल्चर की हिस्ट्री वहां पर डाल दिया, ताकि वो पता चले कि कैसे उस आदि मानव ने किया था, कैसे वो आदि मानव जो है उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया, कैसे उसने प्लांट्स जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स उगाए उसने, कैसे उसने फूड ग्रेन्स उगाए, कैसे किया उसने, किस जगह पर कौन सा वेजिटेबल पहले आया, किस जगह पर कौन सा फूड ग्रेन पहले आया,
All these things are covered in that part of that history. Wild grains जिनको बोला जाता है, जो जंगली बीज जो है, जंगली बीज से उसने स्टार्ट किया था. उसके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं थे. They were collected and eaten from at least 1,05,000 BC. BC को भी बता देते हैं उसको. लेकिन उसका domestication तब तक नहीं हुआ था. Starting from around 9,500 BC, the 8 Neolithic founder crops. 8 ऐसे क्रॉप थे आइडेंटिफाई किए गए जिससे ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था. उसके नाम जो दिए जाते हैं, दैट इज एमर वीट, एनीकॉर्न वीट, हॉल बैरली, पीस, लेंटिल्स, बिटर रिच, चिक पीस एंड फ्लैक्स. ये जो 8 फाउंडर क्रॉप्स जो है उसी से उसने स्टार्ट किया था. और ये 8 क्रॉप्स को आगे चल के एडवांस किया गया. राइस जो है उसको डोमेस्टिकेशन उसका, यानी राइस की खेती बाड़ी चाइना में स्टार्ट हुई थी 6200 बीसी में. चाइना वाज वेरी गुड इन डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस. और राइस जो है, जैसे हम फ्राइड राइस खाते हैं, तो चाइना की तो राइस उसी का स्टेपल फूड है. वो उन्होंने उसका कल्टिवेशन किया था. फिर उसके बाद वहां से बने गए मूंग बनाए गए 5700 बीसी में. सोया और बीन्स बनाए गए. पिग्स का डोमेस्टिकेशन किया गया अराउंड 11,000 बीसी में किया गया. इसके बाद शिप जो है उसको डोमेस्टिकेटेड किया गया. शिप का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता था 11,000 बीसी. और 9,000 बीसी के आते आते कैटल्स को ढूंढ ढूंढ कर उसको डोमेस्टिक किया गया कि कौन से जानवर का दूध जो है वो काम आ सकता है, कौन सा जानवर कौन से काम में आ सकता है. और ऐसे करके उन्होंने बुल्लक को, काउस, बफेलोज, ये सब को उन्होंने किया. टर्की और पाकिस्तान का जो एरिया, जो पाकिस्तान का एरिया जो कि भारत का एरिया है, बाद में वो पाकिस्तान बना, वहां पर उन्होंने कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया था. और कैमल्स जो है उसको डोमेस्टिकेशन उसका उन्होंने वहां पर किया था. रिमेंबर दैट एरिया इज अ थार डेजर्ट एरिया. और वहां वो डेजर्ट में कैमल ही होते हैं. तो वो ऊंट को पकड़कर उसको डोमेस्टिकेशन किया गया. कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है हल चलाने के लिए, वो प्लाउ चलाने के लिए उसका मिल्क जो है वो यूज किया जाता है. देयर आर सर्टेन एरियाज इन द वर्ल्ड. कैमल भी दो तरह के होते हैं. सिंगल हुफ्ड कैमल्स भी होते हैं और ड्यूल हुफ भी होते हैं जिसकी डबल डबल हुफ होती है. शुगर कैन, और शुगर केन के साथ वो मीठा जो है वो इंसान की थाली में आ गया. कुछ मीठा हो जाए जो हम बोलते हैं. वो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे थे जिसके रूट्स को यूज किया जाता था. दोज रूट वेजिटेबल्स एंड शुगर केन उसको डोमेस्टिक किया गया न्यू गिनी में. न्यू गिनी वो जो एरिया है जहां पर अराउंड 7000 बीसी में वहां पर उसको किया गया. आगे चलकर फिर वो दुनिया में फैल गए. लोग वहां से बीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, जमीनों पर उन्होंने डाला. दैट इज हाउ इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. शरकम जो है उसको डोमेस्टिकेटेड किया गया अफ्रीका में 3000 बीसी के दौरान. शरकम फिर बाद में इंडिया में भी लाया गया था. वो जो ट्रैवलर्स आते थे अपने साथ तो वो सीड्स भी लाते थे. वो सीड्स को प्लांट करके देखते थे क्या होता है. साउथ अमेरिका जो है वहां पर पोटैटो को डोमेस्टिकेटेड किया गया. बटाटा जिसको हम बोलते हैं, वो बटाटा आज हमारी थाली का हिस्सा है. वो उसके रूट्स जो है वो साउथ अमेरिका से है. साउथ अमेरिका में पोटैटो को डोमेस्टिकेटेड किया गया. इट वॉज इन 8000 बीसी एंड बिटवीन 5000 बीसी. उसके साथ साथ उन्होंने बीन्स को भी डोमेस्टिकेटेड किया. सो बीन्स एंड पोटैटो केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इसके साथ कुछ फ्रूट्स की बात करें तो कुछ फ्रूट्स ऐसे थे लाइक बनाना जो है उसको भी कल्टीवेट किया गया था पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर. जब ये 7 या 8 रीजन को हम आइडेंटिफाई करें तो 8 रीजन जो वर्ल्ड में जो आइडेंटिफाई हुए वहां पर मेजर क्रॉप जो है उसको डोमेस्टिकेटेड किया गया. उस वहां से डोमेस्टिकेटेड होने के बाद वो सीड जो है वो पूरी दुनिया में फैले. पूरी दुनिया में फैले. अलग अलग तरह की जमीन पर उगने के बाद उसके फीचर्स जो है वो अलग अलग हुए. लाइक जो पोटैटो हमारे यहाँ होता है और जो पोटैटो साउथ अमेरिका में होता है, दोनों में फर्क है. मेसो अमेरिका में मेज, ज्वार जिसको बोलते हैं ना, उसको डोमेस्टिकेट किया गया 4000 बीसी में.
वही मेज जिसको बाद में डिस्टिल करके उसमें से बियर बनाया गया था। कॉटन को डोमेस्टिकेट किया। डोमेस्टिकेशन का मतलब यह है कि उसको खेतीबाड़ी में लाना और प्रोफेशनली उसको उगाना। कॉटन को पेरू में डोमेस्टिकेट किया गया था 3600 BC में। कैमल्स को जो है वो लेटर कैमल को पकड़कर उसको जो जंगली थे जंगली कैमल्स को पकड़कर उसको डोमेस्टिकेट किया गया। इंसान अपने कंट्रोल में उसको लेकर आया। वो 3000 BC के लगभग ये किया गया था। सो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी लॉन्ग इंटरेस्टिंग। तो अगर वो करने के लिए बैठे तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा और आप सुनते ही रहोगे कि कहां क्या कैसे हुआ था। जो आज हमारी थाली में आता है जिसको हम खाते हैं वो कहां से आया वो किसी को पता नहीं है। बट इफ यू गो इन टू द हिस्ट्री टीचेस यू दोस थिंग्स। अगर वो हिस्ट्री में जाओ डीप जाओ तो वो आपको बताता है कि जो बनाना आप खा रहे हो, जो एप्पल आप खा रहे हो, जो मैंगो आप खा रहे हो, जो वीट राइस दाल भात साग रोटली जो हमारी होती है उसमें कभी मिर्चें आ जाती है, कभी मसाले डाल देते हैं, हम चटपटे बनाते हैं खाते हैं, ये सब कहां से आया। दिस नॉलेज इज नोन एज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना पढ़े कितने मार्क्स लेकर आए और वो मार्क्स लाकर आपने बता दिए और रिजल्ट लेकर आप चले गए। ऐसे तो बहुत सारे भारत में भरे पड़े हैं जिनके पास डिग्री हैं तो बड़ी बड़ी है लेकिन समझ दो पैसे की नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये होता है हाउ मच नॉलेज यू हैव एंड द ट्रू नॉलेज यू हैव। वो नॉलेज जब आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो लोग आपको बैठ कर सुनेंगे। अब बोला कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। अगर एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर उगाया जाए एक ही जगह पर, एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पर लार्ज स्केल में उगाया जाए तो उसे बोला जाता है क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अगर वीट क्रॉप बोला जाए तो इसका मतलब यह है कि जमीन पर जो भी जमीन थी उस जमीन पर जितने भी प्लांट्स थे वो सब वीट के थे और जो भी प्रोडक्शन होगा वो वीट का होगा तो उसे बोला जाता है क्रॉप ऑफ वीट। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे सीरियल्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट इंडिया इज द वास्ट कंट्री। अगर उसमें बोले तो क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब के अपने अपने रोल होते हैं। रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन रीजन टू अनदर रीजन। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें उगाई जाती है। हर जमीन पर हर तरह की खेती नहीं होती। जो जमीन पर वीट होते हैं वहां पर मैंगो नहीं होता और जहां पर मैंगो होते हैं वहां पर वीट नहीं होता। तो वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अलग अलग सीजन में अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, अलग अलग सीरियल्स होते हैं, अलग अलग फूड ग्रेन्स होते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंग टू देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप grown in the different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. अब भारत देश में बात करें तो हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह का टेम्परेचर, अलग अलग तरह की जमीनें हैं हमारी। उस अलग अलग तरह की जमीनों पर जो क्रॉप होते हैं अलग अलग सीजन में उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पूरे क्रॉप सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो बोला जाता है दैट इज खरीफ क्रॉप। अब खरीफ एज द नेम सजेस्ट, खरीफ क्रॉप जो है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। उसमें उगाए जाते हैं पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। तो भारत वर्ष में बारिश की सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं मानसून में, दिस इज द टाइम ऑफ खरीफ क्रॉप, उसी का सोइंग होगा। तो रेनी सीजन में जो उगाए जाते हैं उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है। रेनी सीजन भारत में कब से स्टार्ट होता है तो टाइम दिया गया जून टू सितंबर। नाउ आई नो
कि एग्जैक्टली जून की फर्स्ट से वो स्टार्ट नहीं होता, बट मंथ ऑफ जून वी कैन कंसिडर दिस इज द मंथ ऑफ मानसून। तो जून में वो स्टार्ट होता है और सितंबर में उसका एंड होता है। उस समय के दरमियान जो भी क्रॉप उगाया जाता है उसे बोला जाता है खरीफ क्रॉप। अब उसमें क्या क्या आता है, ब्रॉडली आते हैं उसे तो बहुत सारे आते हैं, बट यहाँ पर चार पांच दो चार नाम दिए गए, वही लिखने भी है आपको। तो उसमें पेडी, मेज, पेडी मतलब राइस को पेडी बोला जाता है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप बोले जाते हैं। 6 महीने का सीजन होता है, 6 महीने के अंदर किसान जो है वो खेत पर हल चलाने से लगाकर, बीज बोने से लगाकर, प्लांट उगाने से लगाकर, मैन्योर इरिगेशन वगैरह वगैरह सब खत्म करने के बाद क्रॉप को ले लिया जाता है, फसल ले ली जाती है, मार्केट में ले जाकर उसको बेच दिया जाता है। ऑल दिस थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ अनदर सीजन स्टार्ट, जिसको रबी क्रॉप बोला जाता है। रबी क्रॉप जो है द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी अक्टूबर टू मार्च, सर्दियों की सीजन में, ठंडी की सीजन में ये उगाया जाता है, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप में क्या उगाया जाता है, तो उसमें आते हैं गेहूं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि जो नाम मैंने बोले वही उगाया जाए, लाइक आई सेड वी आर डिस्कसिंग नॉट इन डिटेल, ऊपर ऊपर से अभी समझाया जा रहा है, लेटर ऑन तो भाई आप बी ग्रुप लोगे, बायोलॉजी लोगे, बॉटनी लोगे, एग्रीकल्चर में जाओगे तो ये डिटेल में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। बिसाइड दिस पल्सिस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। अब रबी क्रॉप जिसमें हमने बताया कि रबी नाम है उसका, तो विंटर में आता है, विंटर मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च, उसको रबी क्रॉप बोला जाता है। अब रबी क्रॉप में जो उगाए जाते हैं वीट, ग्राम, जो भी पीस वगैरह जो भी हमने नाम दिए, वो सब चीजों के अलावा, इसके अलावा कुछ पल्सिस, कुछ तरह की दाल, मुझे समझाते ना, दाल, भात, साग, रोटी, भारत में तो वही होता है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो वही दाल जो है, किसी तरह की दाल, फिर तरह तरह के वेजिटेबल्स ये भी उगाए जाते हैं। जो ये तो 6-6 महीने के क्रॉप हो गए, कुछ 4-4 महीने के क्रॉप भी होते हैं, जैसे सब्जियां होती है 4-4 महीने में निकल कर आ जाती है, जैसे टमाटर हुए, मिर्ची हुई, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, तो तरह तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उगा उगा कर उसको मार्केट में ले जाकर बेचा जाता है। नाउ डिपेंड किसान कौन सा क्रॉप उगाएगा कौन सा नहीं उगाएगा, वो डिपेंड करता है उसकी जमीन पर, उसकी जमीन जिस तरह की है, साइंटिफिकली उसको चेक करने के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो किसान को समझाती है कि भाई आप अपनी जमीन पर इसकी खेती करो, आपको फायदा होगा। कुछ जमीन जो है वो फूड ग्रेन के लिए अच्छी होती है, कुछ जमीन जो है वो पल्सिस के लिए अच्छी होती है, कोई सीरियल्स के लिए अच्छी होती है, कोई ग्राउंडनट के लिए अच्छी होती है, कोई कॉटन के लिए अच्छी होती है। जैसे हमारे गुजरात में देखा जाए, स्पेशली काठियावाड़, सौराष्ट्र, आई रिमेम्बर वन थिंग, वी आर नॉट गुजराती, वी आर काठियावाड़ी, और ये काठियावाड़ है, सौराष्ट्र बोला जाता है उसको। हमारे सौराष्ट्र की जो जमीन है, ज्यादातर ये जमीन में मूंगफली, ग्राउंडनट और कॉटन, ये दो चीजों की खेती ज्यादा होती है यहाँ पर। Why those two crops are very popular in Gujarat? Because due to the soil condition, हमारा जो soil है गुजरात की, सौराष्ट्र की जमीन पर जो मट्टी पाई जाती है, किसान की खेत में जो मट्टी पाई जाती है, that soil is very good for groundnut and cotton. वो कमाते भी है ना उसमें ज्यादा। अब ultimately किसान जो काम कर रहा है वो पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है ना, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वो खाना वगैरह बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो कर रहा है वो तो वो कमाने के लिए कर रहा है ना। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस मतलब उसका बेसिक्स क्या है, मतलब कैसे आपको किसी जगह पर क्रॉप को उगाना हो तो कैसे करोगे, क्या करोगे, कल्टिवेशन कैसे होगा। तो क्रॉप कल्टिवेशन जो है ना, उसमें सेवरल स्टेप्स है। Cultivation crops involve several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants to your house. These activities are tasks are referred to as agricultural practice, which are listed below. किसान जो भी काम करता है,
अनाज उगाने के लिए, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए, अगर आप अपने घर के गार्डन में कुछ उगाने के लिए जाओगे तो आप भी वही स्टेप को फॉलो करोगे जो स्टेप किसान ले रहा है बड़े पैमाने पर, आप छोटे पैमाने पर करोगे। तो दीज दो स्टेप्स विच आर टेकन बाय फार्मर्स, लाइक से कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक किसान एक समय में जो जो एक्टिविटी करता है क्रॉप उगाने के लिए, अपने खेत में अनाज उगाने के लिए, एक गार्डनर अपने घर के गार्डन में वही एक्टिविटी करता है। लेकिन गार्डनर जो अपने घर में करता है, या आप अपने घर में कर रहे हो, गमले में कर रहे हो, या अगर आपका बंगला है तो गार्डन में कर रहे हो, तो वही एक्टिविटी आपको करना है जो किसान कर रहा है वहां पर। उस एक्टिविटी को अगर हम लिस्ट करें वन आफ्टर अनदर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, तो क्या मिलेगा हमको? किसान अगर मान लो तुम्हारे घर में गार्डन है या जमीन है, उस जमीन पर आपको कुछ उगाना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू प्लांट समथिंग, से फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, जो भी आपको करना है, तो आप कैसे करोगे उसको? जो जो एक्टिविटी आप लोगे वो एक्टिविटी क्या होगी, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा? तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हम जमीन को अच्छी करेंगे, उसको खोदेंगे, उसको अल्टी पल्टी करेंगे, उसमें मैन्योर डालेंगे, है ना, वही करेंगे हम उसमें से। तो वो तो पहला स्टेप हो गया। तो इफ वी प्रिपेयर द लिस्ट, तो पहला होगा उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वही किया ना आपने, आपने तो बोला कि जमीन को हम अच्छी करेंगे, मट्टी को अच्छी करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वंस दैट सॉइल इज प्रिपेयर्ड, तो सेकंड स्टेप ये होगा कि जो भी क्रॉप आपको उगाना है उसका बीज आप उसमें डालोगे, दैट इज नोन एज सोइंग। बीज उगाने की जो प्रक्रिया है उसको सोइंग बोला जाता है। देन द थर्ड स्टेप यू विल टेक, अब सोइंग करने के बाद आप उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर डालोगे, आपको क्रॉप भी अच्छा चाहिए, तो थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा स्टेप उसके बाद जो आता है, प्लांट्स को पानी भी चाहिए, देन इरिगेशन। आफ्टर इरिगेशन वी हैव प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है उससे अपने क्रॉप को बचाना। एंड देयर इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल है उसको काटना। एंड देन वी हैव स्टोरेज, स्टोरेज जो फसल जो कट गई, कटने के बाद दैट क्रॉप इज टेकन टू द एरिया वेयर इट इज स्टोर्ड एंड फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। ये दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। वो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया उसका बोलना ये है कि वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पेडी मतलब राइस, राइस जो है वो विंटर में क्यों नहीं उगाई जाती? पहली इज वेरी रेडी टू गिव द आंसर। पहली से पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पेडी यानी चावल होता है, चावल की खेती जो है वो सर्दियों में नहीं होती क्योंकि चावल को पानी ज्यादा चाहिए। और इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड डिपेंडिंग ऑन सीजन, तो हमारे यहाँ सर्दियों में इतना पानी खेतों में नहीं होता, इसलिए चावल की खेती जो है वो रेनी सीजन में की जाती है ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। सो दोनों ने मुझे और पहली अपने अपने क्वेश्चन लेकर आए। एंड वी मूव टूवर्ड दैट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो बेसिक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हमने ये सब लिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वगैरह, ये सब जो सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब जो लिए, अब उसको हम डिटेल में लेकर चलते हैं। तो पहला पार्ट जो हम ले, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो कि सबसे पहला पार्ट था, वो इन द फर्स्ट व्हेन वी हैव टेकन इट वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन। नाउ वी गो इनटू द डिटेल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है यानी मट्टी को तैयार करना, खेत को तैयार करना क्रॉप उगाने के लिए, उसके लिए हम देखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो जो भी मट्टी जिसमें भी आप उगाना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मट्टी को पहले आप लूज करो, उसको तोड़ो, उसको टर्न करो, उसको ट्विस्ट करो ताकि वो आगे आपको काम आ सके।
These allow the roots to penetrate deep into the soil, and this makes the soil very soft and porous. तो roots जो है, जो भी plants आप उगाओगे, उसकी roots जो है, वो आसानी से deep जा सकती है. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep inside the soil. और वो जो roots है, वो soil के अंदर बहुत ज़्यादा deep चली भी जाए, तो भी वो आसानी से breathe कर सकती है, क्योंकि हवा, air वहां तक, वो due to the loose soil, air वहां तक पहुंच सकता है. And roots can get that air very very easily. तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि why does the loosening of soil allow the roots to breathe easy? वो इसलिए कि loose हो जाने के बाद एयर के मूव फ्रीली इनसाइड दैट एरिया. वो जो मट्टी, जो एकदम पैक मट्टी जो होती है, तो एयर उसके अंदर जा नहीं सकता. जब उसको लूज कर दिया गया, जब उसको तोड़ दिया गया, पोरस बना दिया गया, तो एयर इजीली मूवमेंट कर सकती है. वो एयर इजीली मूवमेंट कर सकती है, सो रूट कैन ब्रीथ इजीली. रूट को जितना भी जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको जो भी चाहिए, वो एयर से जो भी उसको लेना है, वो पर्याप्त मात्रा में वो वहां से ले सकता है. एंड टू प्रिपेयर द सॉइल, किसान जो है वो खेत पर हल चलाता है. एक पिक्चर मैंने यहाँ पर रखा, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जिसमें ये सब बताया गया. लेटर ऑन इन डिटेल वो जो गैजेट है उसके बारे में, वो जो टूल है उसके बारे में भी हम देखेंगे. लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल. अब जब सॉइल लूज हो गया, तो जो लूज सॉइल हो गया, तो उसके अंदर ग्रोथ हुआ अर्थवर्म का, माइक्रोब्स का. वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड ड्यूरिंग दैट ऑनलाइन सेशन के कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. एंड सम वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर दैट राइजोबियम, दैट इज द बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. इसके अलावा द लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब. अब उसमें अर्थवर्म जो है वो पनपते हैं, वो रहते हैं. अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर. These microorganisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. किसान के दोस्त वो इसलिए बोले जाते हैं कि वो soil को loose करने में, soil को porous बनाने में earthworm और ये जो microbes जो है वो किसान की बहुत help करते हैं. वो अपना काम अंदर करते ही रहते हैं और उनकी वजह से soil में जो है वो humus भी add हो जाता है. But why the soil need to be turned and loosened? तो question तो वही के वही है कि वो soil को क्यों टर्न और लूज बार बार किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में आ जाए, ज्यादा मात्रा में उसमें ह्यूमस आ जाए. नाउ व्हाट इज ह्यूमस? हमको ये भी पता है कि सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. और वो जो टॉप लेयर है वो ह्यूमस का बना हुआ होता है. ह्यूमस इज अ मिक्सचर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एक्सेट्रा ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, और ये सब का मिलकर वो बनता है. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब पहले की जो क्लासेस थी 7th स्टैंडर्ड में, आपने ये भी देखा कि सोइल के अंदर जो है वो कुछ मिनरल्स होते हैं, सोइल के अंदर वाटर होता है, एयर, और उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा उस सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स जो है वो भी पड़े होते हैं, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज जो भी है, कीड़े मकोड़े जो भी मर गए वो भी उसके अंदर होते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. तो जो भी प्लांट्स जो है वो मर गए, उनके पत्ते, उनकी शाखाएं, वो जो बैक्टीरिया, जो एनिमल्स जो भी मर गए, वो सब मिट्टी में मिला दिए जाते हैं. एंड दे गेट डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब उनके अंदर जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में वापस मिल जाते हैं, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट जो है वो वापस अपने अंदर ले लेते हैं. प्लांट से होते हुए प्लांट्स उसको यूज करने के बाद अपने अंदर स्टोर करते हैं. दे स्टोर इन एज ए लीफ, इन द रूट्स, इन द ट्रंक्स, इन द फ्रूट. उसको स्टोर कर दिया जाता है, उन न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके. उन न्यूट्रिएंट्स को, उन फल को, उन पेड़ को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो अब ये न्यूट्रिएंट्स उसमें चले गए. उसके बाद उन एनिमल्स को कोई और एनिमल्स खा लेते हैं, एक दूसरे को खा लेते हैं वो, तो उसके अंदर चले गए. अब जो मर गया
तो उसको जमीन में डाल दिया जाता है, वो मिट्टी का जो है वो वापस डीकम्पोज होकर उसके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में मिल जाते हैं एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, दैट इज द न्यूट्रिएंट साइकिल विच यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड। यहाँ अभी ऊपर ऊपर से सिर्फ समझाया जा रहा है, इन ब्रीफ इन डिटेल अभी उसमें हम जाने वाले नहीं है क्योंकि हमारा कंटेनर इस तरह का है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फिर से हम आगे बढ़े, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा है टॉप लेयर का विच इज यूजफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो कभी ऊपर के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में यूज कर लिए तो नीचे न्यूट्रिएंट्स रह गए, नीचे के यूज कर लिए तो ऊपर के रह गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको तोड़े, टर्न करें, ट्विस्ट करें, लूज करें ताकि नीचे का मटेरियल ऊपर की तरफ जाए, ऊपर का मटेरियल नीचे की तरफ जाए। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप so that the plant can use this nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए सॉइल को टर्न करना, लूज करना, ट्विस्ट करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो सॉइल जो है वो पोरस हो जाता है ताकि एयर उसके अंदर जा सकता है। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जगह मिल जाती है, उनका ग्रोथ हो जाता है, अर्थवर्म और बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स एंड विच आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। न्यूट्रिएंट जो नीचे होते ऊपर आ गए, ऊपर जो है वो नीचे आ गए। सो टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अगर ऐसा वो किसान वो ऐसा करता है, वो इसलिए ऐसा करता है कि ताकि उसके जो क्रॉप है उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले। मोर न्यूट्रिएंट्स मींस मोर क्रॉप, मोर क्रॉप मींस उसकी फसल ज़्यादा हुई, मोर क्रॉप अगर वो ज़्यादा बेचेगा मींस मोर मनी, मोर मनी मींस बेटर लाइफ। किसान का भी तो घर है ना, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी पैसा चाहिए। सो उसका जो यूज है वो ये किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। अब ये जो प्रोसेस है जो सॉइल को लूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं, उसको टाइलिंग और प्लोइंग भी बोला जाता है। दिस इज डन बाई यूजिंग ए प्लो। अब ये किया जाता है एक टूल से जिसको प्लाउ बोला जाता है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाउ जो है या तो लकड़ी के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं। दोज आर एंशिएंट टूल्स, मॉडर्न मशीनरी तो ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं, बट हम ट्रेडिशनल को भी तो ज्यादा पकड़ कर चलेंगे। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लाउइंग। सॉइल अगर एकदम ड्राई है तो उसको उसके ऊपर हल चलाने से पहले उस पर पानी छिड़का जाता है। प्लाउ यानी वो हल ही हुआ तो उस पर पानी छिड़का जाता है। इट मे नीड वाटरिंग द प्लाउ फील्ड मे हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब जब प्लाउ कर दिया उसने तो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े हो गए, कभी कभी खेतों में हमें वो नजर आते हैं, दोज आर नोन एज क्रम्स। इट इज वेरी नेसेसरी कि उन क्रम्स को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए। उसके लिए सॉइल को लेवल किया जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो प्लोइंग के साथ साथ उस क्रम्स को तोड़कर सॉइल को लेवल भी किया जाता है, और लेवलिंग से फायदा यह होता है कि उसे इरिगेशन में आसानी हो जाती है, पानी एक तरफ जमा नहीं हो जाता, वो खेत जो है वो लेवल हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और जो लेवलिंग किया जाता है सॉइल का, वो उसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है लेवलर्स। अब प्लाउ फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, उसको लेवल कर दिया, सॉइल को प्रिपेयर किया, तोड़ा, ट्विस्ट किया, टर्न किया, पानी छिड़का, मैन्यूर्स डालेंगे अभी उसमें, न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, फिर सॉइल को लेवल कर दिया गया। लेवल करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं उसको। लेवल करने के बाद क्या होता है, तो लेवल करने के बाद समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल। तो लेवल लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। सॉइल को लेवल जब किया जाए, जैसे हमने किसी चीज को बनाते तो हम बोलते हैं कि बैलेंस में रखो, लेवल में रखो उसको, ताकि एक तरफ खेत जो है वो
नम नहीं जाए, वो एक तरफ पानी न जमा नहीं हो जाए, वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं. सो फार्म शुड बी लेवल्ड, दैट लैंड शुड बी लेवल. तोड़ने के बाद वो क्लम्स को तोड़कर, बड़े बड़े क्लम्स को तोड़कर सॉइल को लेवल कर दिया जाए ताकि इरीगेशन में आसानी हो. इरीगेशन मीन्स जब किसान जब वो खेत को पानी पिलाए तो हर प्लांट और पौधे तक वो पानी पहुंचना चाहिए. अगर लेवल नहीं है, एक तरफ से वो झुका हुआ, एक तरफ से ज्यादा मिट्टी उभरी हुई, तो पानी एक तरफ जाएगा, एक तरफ नहीं जाएगा, एंड अल्टीमेटली द क्रॉप विल सफर. तो ये ना हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है. समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल. द सॉइल इज मशन बिफोर सोइंग. कभी कभी सॉइल को लेवल करने से पहले या प्लो करने से पहले उसमें मैन्यूर छिड़क दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर, जिसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो वो मैन्यूर करने के छिड़कने के बाद जब सॉइल को तोड़ा जाता है, टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, टाइलिंग किया जाता है, तो सॉइल और मैन्यूर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं. वंस इट गेट्स प्रॉपरली मिक्स द सॉइल इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फिर सॉइल जो मॉइस्चर, वो जो सॉइल जो है जिस पर आपने सब ये कर दिया, उस पर पानी छिड़क दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए, सॉफ्ट मॉइस्च हो जाए. दैट मॉइस्च सॉइल हेल्प्स इन सोइंग ऑफ सीड, जिसमें आप आराम से बीज जाकर उगा सकते हो. वो किसान जो है वो आराम से अपने बीज डालकर अपना काम कर लेता है. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट पार्ट सोइंग, वी विल मूव टूवर्ड्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. अब seeds उगाने के पहले, seeds डालने के पहले, वो जो खेत जो है जिस पर आपने हल चला दिया, जिसके बड़े बड़े soil के टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को आपने level कर दिया, उसमें आपने manure डाला, manure डालने के बाद आपने उसको mix किया, mix करने के बाद फिर से आपने level किया, उसमें आप seed डालोगे, उसके पहले इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि वो जो मट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो गए, वो बड़े बड़े, कभी खेत में हम जाते हैं तो हमें वो बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल. इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये बिग क्लम्स ऑफ सॉइल हैं, ब्रेक दो सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. वो बड़े बड़े क्लम्स को तोड़ा जाए ताकि उसको बेटर यील्ड मिले. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. वो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो है वो धीरे धीरे सबको मिल सकते हैं. तो ये काम जो है वो तीन टूल से किए जाते हैं. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. ये तीन चीज यहां पर इस्तेमाल होती है. एक होता है प्लो, जिसको हम बोलते हैं हल. दूसरा होता है हो. वो अभी एक पिक्चर मैं यहां पर बना दूंगा आपको, ताकि वो टेक्स्ट बुक में भी है, वो पिक्चर देखकर आपको पता चले कि हो इसको बोला जाता है. एंड देर इज ए कल्टीवेटर. कल्टीवेटर्स समटाइम्स हैंड ड्रिवन भी होते हैं और ट्रैक्टर ड्रिवन भी होते हैं. तो ये तीन टूल्स जो है जिनकी मदद से ये काम किया जाता है. सी दोस पिक्चर्स हैव स्टार्टेड कमिंग हियर. तो पहला जो है वो मैंने प्लाव रखा, जिसको हम हल बोलते हैं. दूसरा जो है वो मैंने यहाँ पर रखा हो. तीसरा जो है इट इज अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. ये तीन टूल का इस्तेमाल किसान करता है. अब ये तीन टूल के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं. सबसे पहले उस हल की तरफ चलते हैं, जब एंशिएंट टूल प्लाव जिसको बोला जाता है. फर्स्ट वी टेक प्लाव. प्लाव हल बोला जाता है उसको. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. अब ये प्राचीन समय से यूज होने वाला टूल्स है. इससे सॉइल को टाइल किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, वीड्स को निकालने के लिए भी यूज किया जाता है, और सॉइल को टर्न करने के लिए भी यूज किया जाता है. दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज रन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स. ये लकड़ी का बना हुआ है. वो बैल जो है उसको खींचते हैं, या दूसरे एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स. समटाइम्स दोज आर आल्सो यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. आप कहाँ रहते हो उस पर है. इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्टीप कोट प्लाउशेयर. उसका एक ट्रायंगुलर शेप होता है जिसको प्लाउशेयर बोला जाता है. ड्रॉ दैट पिक्चर अराउंड हियर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउशाफ्ट.
और उसका जो मेन हिस्सा होता है उसको प्लॉ शाफ्ट बोला जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। उसके एक छोर पर एक हैंडल होता है, दूसरा एंड जो है जो कि बीम जैसा बना हुआ होता है जो कि बैलों के गले में रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। अब एक किसान हो तो उसके पास होते हैं दो बैल और एक प्लो और एक किसान मिलकर आसानी से एक खेत पर हल चला सकते हैं। एक आदमी ये काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इट इज एन एंशंट टूल, मॉडर्न जमाने में तो ट्रैक्टरों का यूज किया जाता है, बट हम डिटेल में जा रहे हैं तो जो एंशंट टूल है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक पिक्चर यहाँ पर बनाकर दिया जो कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है, जिसमें वो किसान जो है वो हल चला रहा है। द इंडिजीनियस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउस नाउडेज। अब ये जो प्राचीन समय का हल जो है, एंशंट टूल जो है, जो किसान बहुत सालों साल से यूज करता जा रहा है, जो लकड़ी का बना हुआ है, मॉडर्न फार्मर आजकल के जमाने के जो आधुनिक किसान है वो लकड़ी की जगह पर अब आयरन का इस्तेमाल करने लगे, बैलों की जगह पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे। पिक्चर्स को ध्यान से देखा जाए तो एरोज आर क्लियरली इंडिकेटिंग विच पार्ट इज नोन एज बीम विच इज रेस्टिंग ऑन द नेक ऑफ अ बुल्स, विच पार्ट इज द प्लाउशेयर एंड विच इज द प्लाउशाफ्ट। ये तीनों चीजों को क्लियर कट ये पिक्चर में बताया गया। हमारे देश में ये सीन देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारा किसान जो है वो गरीब है, हमारे किसान के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, है बट ज्यादातर किसान बेचारे गरीब है, हल चलाते हैं, बैल हैं उनके पास, और आज भी वही पुरानी सिस्टम के साथ वो जिंदा है, वो पुरानी सिस्टम के साथ ही वो खेती कर रहे हैं। सेकंड इज हो, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। अब हो का पिक्चर अगर बना दिया जाए तो उसकी ग्रिप हैंडल बीम रॉड बैंक प्लेट है। ये एक सिंपल टूल है जो कि वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स जो है उसको निकालने के काम में आता है। फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी एक बड़ी सी एक बड़ी रॉड है जो कि आयरन की बनी होती है या समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ वुड ऑल्सो। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेट उसके एक छोर पर लगी हुई होती है, बैंड की हुई, दैट प्लेट विच इज गिवन इन द डार्क ब्लैक। इट वर्क लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये एक ब्लेड जैसा काम करती है, इसको भी एनिमल की मदद से खींचा जा सकता है। कभी कभी इंसान भी खींच लेते हैं, कभी कभी एनिमल्स भी उसको खींच लेते हैं। नाउडेज दिस थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, मशीन्स आर यूज नाउडेज, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई ना। आफ्टर हो वी मूव टू द थर्ड पार्ट नोन एज कल्टीवेटर। जैसा कि टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया गया है वो इट इज अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। नाउडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर जो है ना, पहले के जमाने में आदमी उसको खींचते थे, देन एनिमल्स उसको खींचने लगे। नाउ सिंस वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो बैल की जगह पर, इंसानों की जगह पर अब वो है वो काम ट्रैक्टर कर रहा है। ट्रैक्टर में वो लगा दिया जाता है और ट्रैक्टर की मदद से उसको खींचा जाता है। इफ यू सी दैट पिक्चर क्लियरली, तो ट्रैक्टर का जो लास्ट हिस्सा है, जो जमीन में जो कुछ हिस्सा गड़ा हुआ है उसको देखो ध्यान से, जमीन में उसके खीले जो गड़े हुए हैं, दैट इज नोन एज कल्टीवेटर। ट्रैक्टर की मदद से उसको खींचा जाता है। कल्टीवेटर जो है, जब ट्रैक्टर ड्रिवन ट्रैक्टर कल्टीवेटर को यूज करो तो आपका समय भी बचता है, लेबर भी बचता है, पैसा भी कम खर्च होता है और आपको क्रॉप भी ज्यादा मिलता है। आफ्टर कल्टीवेटर वी मूव टू द पार्ट नोन एज सोइंग ऑफ सीड्स, बीज उगाने की प्रक्रिया। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब सोइंग जो है ना, ये क्रॉप प्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
वो आपने लैंड को तो बराबर प्रिपेयर कर दिया, बट इफ योर सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी सीड्स, इफ यू आर नॉट यूजिंग, आपके सीड्स जो है वो अच्छे नहीं है, इफ योर सीड्स आर डैमेज्ड, तो आपका क्रॉप अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, क्रॉप अच्छा नहीं होगा तो यील्ड अच्छा नहीं होगा, यील्ड अच्छा नहीं होगा तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा उसका। सो बिफोर सोइंग, यानी बीज उगाने के पहले, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई क्लीन गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स आपके पास होने चाहिए। फार्मर जो है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करते हैं ताकि उसको ज्यादा क्रॉप यील्ड मिले, ज्यादा क्रॉप यील्ड मिला उसको मतलब उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। दो सीड्स आर समटाइम्स रिफर्ड बाई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड दो साइंटिस्ट आर रिफरिंग दैट पार्ट। पहली में एक बात बताई कि वन डे आई सो माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर ए फ्यू मिनट सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लॉट ऑन टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लॉट्स ऑन द वाटर। सिलेक्शन ऑफ सीड्स देखते हैं। सीड्स अगर अच्छी क्वालिटी के हो तो जैसे हमने यहां पर एक एक्टिविटी दिया, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट With water, put handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. जो पहली का क्वेश्चन था वही हमने एक्टिविटी में लिया। जो सीड्स अच्छे होंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, वो जो सीड्स बैड क्वालिटी के सीड्स होंगे, खराब होंगे, वो ऊपर फ्लॉट होने लगेंगे। नाउ रीजन क्या है उसके लिए कि अगर सीड अच्छे नहीं है तो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, हॉलो सीड्स में अंदर जो है वो एयर भर जाता है और उसकी वजह से वो फ्लॉट होने लगते हैं। इट इज वेरी इजी फॉर फार्मर टू आइडेंटिफाई दोज सीड्स। अब किसान इस तरह से नहीं करता, उसको तो लाखों की संख्या में सीड्स डालने होते हैं। मदर कैन डू दैट पार्ट, फार्मर कैन नॉट डू। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स वो ले आते हैं। आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज व्हिच सिंक? व्हाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो सीड्स जो है वो डैमेज हो गए तो वो टूट जाते हैं, टूटे हुए सीड्स में अंदर एयर प्रवेश करता है, एयर ऑक्यूपाई दैट स्पेस, व्हेरेवर देयर इज अ वैक्यूम, एयर ऑक्यूपाइज दैट वैक्यूम। अब जब सीड्स को पानी में डाला जाए तो जो सीड्स पूरे हैं, फुल है, डैमेज नहीं है, वो नीचे बैठ जाएंगे। जो सीड्स डैमेज है, जो डैमेज सीड जिसके अंदर स्पेस है एंड दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई एयर, वो पानी में फ्लॉट होने लगेंगे क्योंकि एयर जो है उसको नीचे डूबने देगा नहीं। तो दिस इज द गुड वे टू आइडेंटिफाई गुड सीड फ्रॉम बैड सीड्स। दिस मेथड इज गुड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। क्या लगता है किसान ऐसा करता होगा? लाखों की संख्या में सीड्स उसको डालने होते हैं, उसके पास 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फार्म। किसान ऐसे नहीं करता। किसान जो है वो मार्केट में जाता है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदता है। गुड क्वालिटी का मतलब यह है कि डैमेज उसमें नहीं होता, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वो लेता है और उसको वो प्लांट करता है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड्स को उगाना हो, डालना हो खेत में, यहां भी एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वन पर्टिकुलर टूल Which is used for sowing the seeds. Good quality के seeds तो हमने देखा किसान कैसे लाता है, कैसे करता है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर सीड्स की दुकान पर आप जाओगे तो वो तरह तरह के सीड्स आपको बताएंगे। साइंटिस्ट sometimes used to refer particular type of seeds. क्या आप ये सीड का इस्तेमाल करो, आप ये सीड का इस्तेमाल करो। कृषि दर्शन, ये जो DD पर कभी कभी आता है, उसमें ये जरूर बताया जाता है कि किसान को किस तरह के सीड का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सीड उसको कहाँ से मिलेंगे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उसको लोन देती है। वहाँ जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो जूनागढ़ में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दो साइंटिस्ट आर वेरी हेल्पफुल और वो सब उस किसान की हेल्प करते हैं। मकसद उसके पीछे ये है कि किसान जो है वो खेती करे, अच्छे से करे, ताकि अनाज पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पहली ने पूछा था कि इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए अनाज कहां से लाएंगे, वो अनाज यहां से आता है। गुड प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो अनाज कभी कभी सरप्लस भी हो जाता है, तो सरप्लस अनाज को हम विदेशों में बेचते हैं जिससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है,
अगर विदेश में हम ना भी बेचें तो भी हमारे यहाँ भी बस्ती इतनी है कि हमारे लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास अनाज होना चाहिए। तो सीड्स को उगाने का जो टूल इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। उसके लिए भी एक टूल बना हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन ट्रेडिशनल टूल जो है उसको बोला जाता है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल मेथड जो सोइंग का बताया गया, परंपरागत मेथड जो बताया गया, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल, गरड़ी बोलते हैं उसको। अब वो पिक्चर में ध्यान से देखा जाए तो वो बैल के पास जो दो किसान खड़े हुए हैं वहां पर एक फनल शेप का एक टूल वहां पर लगा हुआ है। उस टूल के अंदर पाइप फिट किए गए और वो पाइप नीचे की तरफ जा रहे हैं, सॉइल की तरफ। दो तीन, एक पाइप होता है, कभी दो होते हैं, कभी तीन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फनल यू आर यूजिंग। किसान वो फनल के अंदर वो सीड डालता है और फिर बैल उसको लेकर घसीटता हुआ चलता है। वो सीड एक के बाद एक सॉइल में प्लांट होते रहते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। अब ये परंपरागत मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, प्राचीन समय से किसान ये मेथड यूज करता हुआ आया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद हर वो टूल जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था, इट वॉज डेवलप्ड एंड मेड एडवांस। तो ये सीड जो सोइंग का ये जो परंपरागत टूल है उसको भी एडवांस किया गया, उसको एडवांस करने के बाद उसको बनाया गया और नाम दिया गया सीड ड्रिल। नाउडेज सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब जो पिक्चर मैंने बनाया है यहाँ पर जिसमें वो सीड ड्रिल बताया गया, ये एक साथ दो काम करता है। एक तो ये ट्रैक्टर से चलता है, दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। एक काम तो ये करता है कि वे सभी सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट करता है और इक्वल डेप्थ पर प्लांट करता है, जो ट्रेडिशनली जो टूल है वो नहीं कर सकता। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी श्योर करता है कि सीड प्लांट हो जाने के बाद उसको मट्टी से कवर भी करना पड़ता है ना, तो बर्ड्स वगैरह आके ले जाते हैं उसको। सो इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो ये मॉडर्न गैजेट है जो एक साथ दो काम करता है, सीड को इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट भी करता है, तो साइंटिफिकली जो है वो आपका एग्रीकल्चरल काम जो है वो चला। सेकंड, एक ही समय में सीड प्लांट करने के बाद आगे का हिस्सा सीड को प्लांट करता है तो पीछे का हिस्सा जो है वो उस पर मट्टी डालकर वापस ढक देता है उसको। सो वन वर्क इज डन, एक्चुअली टू वर्क्स, दो काम वहां पर हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, टू वर्क्स आर डन इन अ वन गो। साइंटिफिकली दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पहली और बोजो, दिस टू करेक्टर्स आर वेरी क्यूरियस, वो देखते हैं ये सब चीजों को, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। उन्होंने ये टूल्स देखे, उनको समझे, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि देयर इज अ नर्सरी नियर माय स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उसने ऐसे बोला कि मेरे घर के पास एक नर्सरी है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो बैग में रखे हुए हैं, प्लास्टिक बैग में, व्हाई। पहली ने जवाब दिया, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, when they grow into seedlings they are transplanted in the fields manually, some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery। ab iska ek picture main bana kar dunga yahan par। traditionally rice jo hai na wo pehle nursery mein ugai jati hai, nursery matlab wo chota mota area jahan par wo ugai jati hai, usme se uske seedlings bante hain। jab wo pauda chota ho nikal kar aa jata hai फिर उसको गमले से निकालने के बाद उसको खेत में हाथ से प्लांट किया जाता है। राइस इस तरीके से उगाई जाती है और फिर पानी देने के बाद वो पौधा बड़ा होता है। राइस के अलावा
टमाटर भी इसी तरह से होते हैं कि पहले आप गमले में डालो, थोड़ा सा प्लांट आपका बड़ा हो जाए, फिर उसको गमले से निकालो और फिर जमीन में आप उसको डाल दो, तो वो हो जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. एक चीज ये भी ध्यान रखना होता है कि जो सीड्स आप प्लांट कर रहे हो, वो मट्टी में जो सीड्स आप सो कर रहे हो, जो डाल रहे हो, तो वो दो सीड के बीच में जगह होनी चाहिए। अगर नजदीक नजदीक वो सीड्स को आपने डाल दिया तो ओवर क्राउडिंग हो गई, और ओवर क्राउडिंग हो गई तो प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो कम हो गया। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो प्लांट्स को इक्वली सनलाइट मिलती है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उनको सॉइल मिलता, उनको वाटर मिलता है, जो सॉइल से उनको जो मिलना चाहिए वो सब कुछ उनको मिल सकता है। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम ओवर क्राउडिंग हो गई हो तो कुछ प्लांट्स को वहां से हटा दिया जाता है। एज आई सेड, जो पिक्चर मैंने बोला था, दिस इज एन एंशियंट पिक्चर वेयर पेडी इज ग्रोन। वो राइस का खेत है जिसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो वो राइस जो जो सीडलिंग्स जो है उसको हाथ से प्लांट किया जा रहा है। यहां पर ट्रेडिशनली भी ऐसे ही होता था, मॉडर्न मेथड में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ टूल चेंज हो गए, तरीका वही के वही रहा। आज भी एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट आपने रखे तो प्लांट्स को सफिशियंट अमाउंट में सनलाइट मिल सकती है, उसको वाटर मिल सकता है, उसको मिनरल मिल सकता है, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट एग्रीकल्चर इज एन एंशियंट बिजनेस। एग्रीकल्चर इज एंशियंट बिजनेस एंड स्टिल अ सक्सेसफुल एंड वेरी पॉपुलर बिजनेस इन द वर्ल्ड। End to our part one. Part one, I see the chapter is a bigger chapter, so I have divided that chapter into three equal parts. Part one, जिसमें हम आधा chapter cover करेंगे. Half of the chapter we will cover in part one. Explanation driven होगा वो. Half, the remaining half of the chapter we can cover in second part. दो part हो गए. और जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट विच इज बीन सेड, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नोट्स क्रिएट करेंगे, एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर। अब लॉकडाउन है तो वीडियो लेक्चर जो हम स्कूल से भेजते हैं आपको, जो स्कूल से आप जो वीडियो लेक्चर देखते हो, उसमें किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कभी आवाज अच्छी नहीं आती, कभी वीडियो सही नहीं आ रहा। दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू वॉच दैट थिंग क्लियरली, दे आर नॉट एबल टू लिसन क्लियरली ड्यू टू दैट नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ये वीडियो उनको बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। होप आई हैव डन माई लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई द कंटेंट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, देन यू मे आस्क दैट क्वेश्चन एनी टाइम। यू हैव माई नंबर। थैंक यू, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, बाय।